और 10 बजे की बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर संजय राउत ने साफ कर दिया है कि उनकी वजह से सरकार को के गठन में कोई दिक्कत नहीं आई। दरअसल बीजेपी ने ही सरकार के गठन से इनकार कर दिया। बीजेपी लगातार झूठ बोलती रही 50-50 फॉर्मूले पर। हालांकि हालात के लिए पूरी तरह से अब तीकरा संजय राउत ने बीजेपी पर मार दिया। उन्होंने कहा है कि जो इस वक्त स्थिति है उसके लिए पूरी तरह से बीजेपी जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को उद्धव ठाकरे पर बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, अब ये बंद कर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि बीजेपी अब विपक्ष में बैठ सकती है, और उन्होंने ही ये साफ कर दिया था कि वो सरकार नहीं बना सकते हैं, और उन्होंने अब इस पूरे मामले से अपने हाथ खींच लिए हैं। यानी कि सरकार गठन को लेकर बीजेपी ने अपने रुख को साफ कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में जिस तरह का मैंडेट बीजेपी को मिला था उसका अपमान एक तरह से बीजेपी ने किया है, वहां के लोगों का भरोसा तोड़ा है। 50-50 फॉर्मूले पर तैयार नहीं है बीजेपी और लगातार इस फॉर्मूले पर झूठ बोलती आई है। ये संजय राउत ने कहा आपसे कुछ ही देर पहले जब वो प्रेस से मुखातिब हो रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी का ये अहंकार है और जनता का अपमान है। क्या कुछ कहा उन्होंने सुनिए। पहिलं तुम्ही निवेदन करतात की आम्ही काही निवेदन नाही, आपण मला अडवलेलं आहे म्हणून मी बसलो आहे, माझ्याकडे आज सांगण्यासारखं काही नाही। कालपर्यंत भाजपने सत्ता स्थापनेच्या दाव्यासंदर्भात असमर्थता व्यक्त केलेली आहे, ते विरोधी पक्षात बसतात। अशा वेळेस शिवसेना एनसीपी आणि काँग्रेसच्या मदतीनं सत्ता समीकरण मिळवू पाहते। सगळ्यात पहिला महत्वाचा मुद्दा तुम्ही समजून घ्या, भारतीय जनता पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांचं निवेदन मी ऐकलेलं आहे, ते अत्यंत दुःखद आणि खेदजनक आहे। भारतीय जनता पक्ष सत्ता स्थापन करू शकला नाही, याचं खापर शिवसेनेवर फोडणं हे सर्वस्वी चुकीचं आहे। युती होण्यापूर्वी जे ठरलं त्यानुसार जर कारवाई किंवा तो आपने सुना संजय राउत ने कहा कि बीजेपी का अहंकार ही इस वक्त महाराष्ट्र में स्थिति के लिए जिम्मेदार है। वहीं एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने भी अपना रुख साफ किया है। उन्होंने कहा है कि हम अपने नेताओं से बात कर रहे हैं शिवसेना के साथ हाथ मिलाने को लेकर। नवाब मलिक इससे पहले ये साफ कर चुके हैं कि अगर शिवसेना को एनसीपी के साथ आना है तो बीजेपी का दामन छोड़ना होगा, यानी कि एनडीए से खुद को बाहर निकालना होगा। सेना एनडीए से बाहर निकले, उनके मंत्री इस्तीफा देने जा रहे हैं, और सरकार में जाने से पहले समर्थन देने से पहले निश्चित रूप से सरकार का एजेंडा क्या होगा, कौन से एजेंडे पे सरकार बनेगी, इसको लेके पहले चर्चा होगी। सहमति बनने के बाद फिर आगे कोई निर्णय होगा। इसी सभी विषय पे 10 बजे हमारी बैठक शुरू होने वाली है। पर्याय सरकार देना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी का भी निर्णय हमें अपेक्षित है। दोनों पार्टी का निर्णय होने के बाद आगे जो भी होगा वो हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। 10 बजे हमारी बैठक है। हमें जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस पार्टी ने CWC की बैठक बुलाई है। निश्चित रूप से कांग्रेस भी कोई निर्णय लेगी, और उसके बाद जो हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, कुछ बड़ी चीजें हैं, उस पर सहमति बनना जरूरी है। अगर सहमति बनती है तो निश्चित रूप से आगे दिशा में हम कदम उठाने का काम करेंगे।